हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ हाइलाइटर कलर स्प्रे। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपने हाइलाइटिंग तो आजकल बहुत देखी होगी कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हर कोई हाइलाइटिंग करा रहा है। हाइलाइटिंग मतलब बालों को कलर कराना। तो अगर आप चाहते हो कि हाइलाइट्स हो जाए आपके बाल और आपके बालों को कोई डैमेज भी ना हो और आप परमानेंट हाइलाइटिंग नहीं चाहते, तो उसका ये सोल्यूशन है कि आप ये हाइलाइटर स्प्रे ले सकते हैं। इस स्प्रे को करने से आपके बालों में हाइलाइटिंग हो जाएगी और आपके बालों पे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने हाइलाइटिंग कराई हुई है। यह है फैशन कलर का फिक्स अप हेयर कलर स्प्रे। इसमें कई सारे शेड्स आते हैं। जो मेरे पास है इस टाइम, ये है कॉपर शेड। जैसा ये इसमें गिवन है ऐसा ही शेड इसका निकलेगा। मैं अभी आपको हेयर स्प्रे करके भी बताऊँगी इसका स्प्रे। हाइलाइटिंग जब हम कराते हैं तो क्या होता है, कई बार हमारे हेयर्स डैमेज भी हो जाते हैं और इस वजह से कई लोग हाइलाइटिंग नहीं कराना चाहते। बट मन फिर भी कई लोगों का करता है कि हमारे बाल भी हाइलाइटिंग वाले लगें और बड़ा सुंदर सा हमारे हेयर्स में लुक आए। दूसरा, कई लोग परमानेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चाहते कि हमारे हेयर्स में वो कलर रहे, तो इसलिए सिर्फ पार्टी वियर या कहीं आपको जाना है तो उसके लिए सबसे बेनिफिट जो है वो इन हेयर स्प्रेस का है, जिससे कि आपके बालों में एक बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस स्प्रे को करने के बाद आपको कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको यूज़ करने में, फटाफट आपके हेयर्स पे हाइलाइटिंग हो जाएगी। तो अगर बात करें इस बॉटल की पैकिंग की, तो ये बहुत ही अच्छी सॉलिड पैकिंग है। आप इसको कहीं भी लेके भी जा सकते हैं, बहुत छोटी सी बॉटल है। आप इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हैं अगर आपको कहीं इसको लेके जाना है तो। दूसरा, ये बहुत लाइट वेट है, इसका वेट बहुत ही कम है। तो चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है। ये 150 ml की बॉटल है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको इसको बहुत अच्छे से शेक करना है। इसके अंदर से आपको साउंड भी आ रही होगी आई गेस। शेक करने से क्या होगा, इसके सारे पार्टिकल्स अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले आपको अपना हेयर स्टाइल पूरा रेडी कर लेना है। जो भी आपने हेयर स्टाइल बनाना है अच्छे से अपने हेयर्स को कॉम कर लेना है, क्योंकि जब आप एक बार ये स्प्रे कर देंगे उसके बाद आपको कॉम नहीं करना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप कॉम करेंगे तो वो कलर उतरेगा। तो इसलिए आप पहले ही कॉम करके अच्छे से रख लीजिए, फिर इस स्प्रे को आपको यूज़ करना है। तो आपने कोई भी हेयर स्टाइल बना लिया है, लाइक जूड़ा बनाया है या कर्लिंग की है या स्ट्रेटनिंग की है, ये हर एक में चल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। तो हमें इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक तो ये स्प्रे चाहिए, एक चाहिए फॉइल पेपर, और बस उसके बाद हमें अपना काम स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको इसको स्प्रे कैसे करना है। तो ये रहे हेयर्स, अब आपको दिखाती हूँ मैं। अब जो भी फ्लिक आपको लेनी है, जो भी चंक आपको लेनी है, आप वो ले लीजिए हेयर्स में से। उसके बाद आप उसको फॉइल पेपर पे रखिए। अगर आपके पास फॉइल पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप उसके बदले कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं या और कोई चीज़ जो आपके पास उस टाइम पर अवेलेबल हो। बस ऐसी कोई चीज़ यूज़ कीजिएगा कि जिसका आपको दोबारा इस्तेमाल ना करना हो, क्योंकि ये कलर छोड़ेगा तो वो चीज़ गंदी हो ही जाएगी। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से शेक कर लिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर्स तक इसको दूर रखना है, बिल्कुल पास जाके स्प्रे नहीं करना है, वरना वो एक ही जगह सारा कलर फैल जाएगा। तो थोड़ा दूर करके हम इसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे की आप डायरेक्शन देख लें कि ये यहाँ पे जो इसकी नॉब है ये हेयर्स की साइड होनी चाहिए और कहीं ना हो। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये मैंने इस पर स्प्रे कर दिया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप स्मेल से आपको कोई एलर्जी है तो जस्ट मेक श्योर कि आप मास्क पहन लें। और दूसरी चीज़, ये स्किन पर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आपको हेयर्स पे ही करना है।
और इसका आपको अच्छा खासा स्प्रे करना है, ये नहीं बिल्कुल ज़रा सा किया और काम हो गया, अच्छा खासा स्प्रे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसको 3-4 बार स्प्रे किया है तब मुझे जाके ये हल्का सा कलर मिला है। अब आप इससे कंपेयर करके देख लीजिए कि दोनों में डिफरेंस है। कैमरा अच्छे से इतना कलर कैप्चर नहीं कर पा रहा है, अदरवाइज़ अब आप देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि कलर अच्छे से आ चुका है। पहले कैमरा इतना अच्छे से नहीं कैप्चर कर रहा था कलर को, वरना कलर उतना ही आ चुका है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितना कलर डिफरेंस है। ये कॉपर कलर है, तो ये जो मैंने किया है ये कॉपर शेड है। इसके अलावा इसमें और भी कलर्स आते हैं, पर्पल कलर आता है, गोल्डन कलर आता है, रेड कलर आता है और आई गेस और भी कलर्स आते होंगे, उनका मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। तो ये कॉपर शेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही प्यारा शेड है, ये सारे हेयर्स पे बहुत अच्छा लगता है। अदर शेड्स जो होते हैं वो थोड़े इतने अच्छे नहीं लगते, पर्सनल मैं अपना आपको बता रही हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। दूसरी चीज़, जब आप हेयर्स को वॉश करोगे तो ये कलर निकल जाएगा। बस जब भी आपका काम हो गया है, लाइक आपको जो भी फंक्शन अटेंड करना था या कुछ भी है, उसके बाद आप नेक्स्ट डे वॉश ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है ये कलर अपना छोड़े और भी आपके किसी और कपड़े में, या आप अगर बेड पे लेटेंगे तो वहाँ पर भी। वैसे तो आप क्या करें, जब आपने कलर कर लिया है तो उसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दें। एकदम से इसको गीले हाथों, जब ये गीला होगा तब आप इसको टच करेंगे तो फिर ये सब जगह फैल ही जाएगा। तो थोड़ी देर पहले ये ड्राई हो जाए, उसके बाद आप फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। लगभग 10 मिनट में ड्राई हो जाएगा। और रही बात इसकी कॉस्ट की, तो डिपेंड करता है कि किस कंपनी का कितनी कॉस्ट का है और किस एरिया में कितनी कॉस्ट का मिल रहा है। वैसे ही लगभग 350 तक का मिल जाता है, इससे अप भी जा सकती है रेंज और डाउन भी जा सकती है। डाउन तो मुश्किल ही जाएगी, अप ही जाएगी। तो अगर आपको ये मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कीजिए और मुझे भी आप अपने रिव्यूज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया है, एक तो बस इसका ध्यान रखिएगा इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है। और वॉश बस आपको सिंपल शैम्पू से करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। तो आई होप कि आपको इस हाइलाइटर स्प्रे की नॉलेज अच्छे से मिल गई होगी। तो ये फैशन कलर का फिक्सअप हेयर कलर स्प्रे था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं सारों के कमेंट्स के आंसर्स करती हूँ। या अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहले भी कई व्यूअर्स ने मुझे जिन टॉपिक्स पे बोला है, मैंने कोशिश की है उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के आप तक लाने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल ब्यूटी हट पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ऐसी और वीडियोज़ के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।